फ्रॉम इफ़ यू वॉन्ट सम कम गेट सम से लेके यू कैन सी मी एंड फाइनली डू यू वॉन्ट रियली वॉन्ट से दैट मेक ए मूव एक्सट्रीम शॉर्टकट टू योर ड्रीम्स। अरे यार इंट्रो ही सीक्वेंस काफ़ी है यहाँ पे बताने के लिए कि पीस मेकर का सीजन वन कैसा रहा है। और मेरे साथ एक मेजर प्रॉब्लम रही है कि जब गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था ना, जब इसकी हैवी मार्केटिंग थी, मैं टीवी पे इसके एड्स देखता था, मोबाइल में तब इसके एड्स देखता था जब जियो फ्री था, मैंने तब जो है उस हैवी मार्केटिंग के दौरान गेम ऑफ थ्रोन्स का एक भी सीजन नहीं देखा है। और एवेंजर्स एंड गेम के लिटरली खत्म होने के बाद जब वो मूवी आई, उसके बाद दिसंबर 2019 में मैंने सारे सीजन जो है गेम ऑफ थ्रोन्स के देखना शुरू किए। और ऐसा ही पीस मेकर के साथ हुआ है कि इतने सारे एडवर्टाइजर्स, इतने सारे स्पॉयलर्स ट्विटर पे देखने के बाद भी मैंने इसको, मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, हर कोई बोल रहा था कि शो इतना अच्छा है उतना अच्छा है, लेकिन मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर आप उन लोगों में से हो तो यार कमेंट करके बताओ, क्योंकि जब मैंने सैटरडे को मैंने इसका एडवर्टाइज देखा कि अमेजोन के ऊपर आ चुकी है, फटाफट से मैंने देखना स्टार्ट किया और क्या सीरीज है। और इसके इंट्रो सीक्वेंस ने ही मुझे बता दिया कि मार्वल में क्या मिसिंग है, हर किसी डिज्नी प्लस सीरीज में एक ऐसा इंट्रो सीक्वेंस होना चाहिए। मैंने सही गया नहीं गया तो आप लोग बताओगे, लेकिन मेरा कोई फेवरेट क्रिस्टोफर स्मिथ का कैरेक्टर, पीस मेकर का कैरेक्टर, तो मतलब फेवरेट की बात अब छोड़ो, ईगली मेरा सबसे फेवरेट बन चुका है एंड विजिलेंटी एट नंबर 2। अरे भैया क्या कैरेक्टर। अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से रिडेम्पशन किया गया है पीस मेकर का इस सीरीज में, एब्सोल्युटली ऑसम। लेकिन जो ग्रूसम सीन्स है, जो इमोशनल सीन्स है, जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलते रहता है पीस मेकर के दिमाग के अंदर, उसके फ्रेंड्स के साथ, उसके फादर के रिलेशन के साथ, फिर किस तरीके से जो सुसाइड स्क्वाड में उसके साथ जो हुआ, किस तरीके से वो सारी चीज़ें जो उसके दिमाग में चलती रहती है, और किस तरीके से वो इस एपिसोड में या फिर आगे आने वाले एपिसोड्स में ट्रांजिशन होती रहती है, इस सीजन वन में पीस मेकर ने उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले किया है। फिर कहूं जॉन सीना ने यू कैंट सी मी से लेके यू कैंट एक्ट का ही कैच फ्रेज अपने लिए बदल दिया था, क्योंकि बंबलबी में वो थोड़े हमें रस्टी दिखाई दिए थे, लेकिन इस सीरीज में भाई यार क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। और सबसे जबरदस्त तो यहां पे मैं कहूंगा कि उनके फादर हैं जिन्होंने इतने सारे उल्टे पतीले, मतलब स्टील के पतीले उनके लिए डिजाइन किए, यानी कि उनके लिए उनके हेलमेट डिजाइन किए जिनके वेरियस यूजेस है। और जिस तरीके से टोनी के मार्क 1 मार्क 2 सूट हमें देखने को मिले, बहुत सारे वेरिएंट हमें उनके हेलमेट के भी देखने को मिले। और सबसे बेहतरीन मुझे लगा यहाँ पे उनका वो वाला हेलमेट जहाँ पे अगर उनके एनिमी उनके रेडियस में है तो वो यहाँ पे एक शॉक वेव क्रिएट करता है वो हेलमेट, जिसकी वजह से चीथड़े उड़ जाते हैं और उनके बॉडी जो है सेफ रहती है उस हेलमेट से क्रिएट गई एक बॉडी शील्ड की वजह से। तो यार बेहतरीन एपिक सीजन, और जो इंट्रो सीक्वेंस है ना, बस वो मुझे मेरे साथ चिपक गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो ग्रूसम सीन्स का है, उनका कुछ मतलब है, जिस मिशन पे यहाँ पे क्रिस्टोफर स्मिथ निकलते हैं और उनकी टीम उनका साथ देती है, और जो खड़ूस बॉस जो कि मर जाती है, उसके बाद जो टीम टेक ओवर करती है यहाँ पे उन सारे सुपर हीरोज़ को या फिर एंटी विलन्स को एक तरीके से मैनेज करने के लिए, किस तरीके से वो बटरफ्लाई मिशन को, अब ये बटरफ्लाई मिशन क्या है ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चले। पानी करके इसको बॉयज सीरीज से तो बिल्कुल कंपेयर मत करना, क्योंकि जो भी वायलेंस, जितने भी इमोशन, साइकोलॉजिकल सीन्स जो कि क्रिस्टोफर स्मिथ के माइंड में चल रहा होता है, उसका रिलेशन उसके फादर के साथ, उसकी स्क्वाड के साथ या फिर उसके मिशन के साथ, यहां पे उसको बहुत ही बेटर तरीके से दिखाया गया। और अगर बॉयज सीरीज का एक बेटर वर्जन बनाया जाता ना, तो वो बिल्कुल पीस मेकर की तरह होता, यानी कि पीस मेकर में आपको प्रॉपर रीजनिंग मिलती है हर किसी चीज की, और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हर एक कैरेक्टर का है, चाहे विजिलेंटी हो, चाहे ईगली हो, यार ईगली मतलब अरे दिल जीत लिया उसने। तो मुझे लगा कि काफ़ी सारे लोग इस पर, इसकी ऑफिशियल रिलीज के बाद जो कि इंडिया में हुआ है पीस मेकर सीजन 1 का, तो इस पर वीडियो बनाए, तो मैं भी भैरी गंगा में हाथ ही धो लेता हूँ। सो गाइस आप मुझे बताओ कि अगर आपने पीस मेकर सीजन 1 देखा है, इससे पहले देखा है, पायरेट करके देखा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। टेलेंट एक्रेन बीमा।